नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों जब प्राची के सामने ही आप लोग जानते हैं कि अक्षय ने बोल दिया है कि प्राची तुम्हारी बेटी खुशी को रणवीर ने किडनैप कर लिया है। जी हाँ, हालांकि दोस्तों किसी भी तरीका से खुशी को किडनैप करने में रणवीर का कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये सब कुछ आखिरकार रणवीर और प्राची को अलग करने के लिए ही ये साजिश रची थी, क्योंकि खुशी का जो किडनैप हुआ है वो किडनैप वाकई में अक्षय ने ही किया था, और अक्षय ने ये किडनैप बुआ से जानबूझकर ही डिस्कस किया था ताकि इस काम को अंजाम दिया जा सके, और अंजाम देने के बाद में एक अलग ही तरीका की जर्नी देखने को मिले। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी एक बार फिर से नए ट्विस्ट के साथ में, नए जोश के साथ में देखने को मिलती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये तो एक रियलिटी है, ये एक बेहद बड़ा हकीकत है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही सभी लोग इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा टेंशन में नजर आने वाले हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्योंकि वास्तविक दोस्तों जो हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये आप लोगों को पता ही है, क्योंकि रणबीर बोलता हुआ नजर आएगा कि अक्षय ये गिरी हुई हरकत तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा इस गिरी हुई हरकत को कोई अंजाम नहीं दे सकता, ये तो एक बेहद बड़ी हकीकत है और इस हकीकत से कोई भी महरूम नहीं रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक और भी नया ट्विस्ट देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, जहाँ पर रणबीर इस चीज़ को बोलता हुआ नजर आएगा कि जो होता है वो कहीं ना कहीं सही के लिए होता है, क्योंकि अक्षय की मैंने औकात देख ली कि अक्षय मुझे और प्राची को अलग करने के लिए क्या कुछ कर सकता है, जिसके बाद में अक्षय जवाब देगा रणबीर से कि रणबीर तुम सोचते रहना क्योंकि ये सब कुछ तुमने ही किया है, जिसके बाद में रणबीर बोलेगा कि मैं अपनी बेटी खुशी को किडनैप क्यों करूँगा, क्योंकि इससे तुम्हें यही सिद्ध करना चाहते हो कि मुझे अपने बेटी की कोई फिक्र नहीं है, तो ये तुम्हारी